नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दीपक शर्मा के साथ हरियाणा अपडेट डेली न्यूज चैनल। इस चैनल पर रिवाइज जुड़ी बड़ी खबरें मिलती है रोजाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन लोगों की समस्या जो अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि बहादुरगढ़ के उद्योगपति बोले, सीएम साहब अब तो रास्ता खुलवा दीजिए, दिवालिया होने की कगार पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर बंद होने से 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दिल्ली हरियाणा की सीमा टिकरी बॉर्डर बंद होने से औद्योगिक क्षेत्र बहादुरगढ़ को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 7 महीने से रास्ते बंद पड़े हैं और अब जो कंपनी कर्म जो मालिक है उद्योगपति परेशान हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पत्र भेजते हुए रास्ता खुलवाने की मांग की है। उद्योगपतियों का कहना है कि अब हम दिवालिया होने की कगार पर आ गए हैं, इससे पहले कि और नुकसान हो रास्ते खुलवा दीजिए। उद्योगपतियों ने कहा कि रास्ते बंद होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद होने लगी है, अगर ऐसा हुआ तो हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। ट्रिकी बॉर्डर पर एक तरफ किसानों की स्टेज लगी तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हैं। किसानों की स्टेज तक जाने का रास्ता तो खुला है, लेकिन उससे आगे दिल्ली पुलिस ने पक्की दीवार और कंटीले तार लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है। टिकरी बॉर्डर बंद होने से दिल्ली के व्यापारी बहादुरगढ़ व्यापार के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा भी ट्रिपल हो गया है। उन्होंने किसान के आंदोलन से दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद रास्तों से नुकसान बहुत हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि किसानों की समस्या का समाधान करके उन्हें राहत प्रदान करें या दिल्ली सरकार से बात करके रास्ते खुलवाकर हमारा सहयोग करें। आपको बता दें कि जो बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट विकास आनंद सोनी ने बताया कि बहादुरगढ़ में बड़ी छोटी और मध्यम इंडस्ट्री मिलाकर करीब 9,000 फैक्ट्रियां हैं, इनमें 7.5 लाख करीब लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अभी दिल्ली की सड़क बंद है तो दिल्ली से आने वाले कर्मचारी भी काम पर नहीं आ पा रहे हैं। जो व्यापारी सीधा फैक्ट्री आकर माल खरीदता था वो भी नहीं आ रहे हैं। प्रोडक्शन कास्ट और माल ढुलाई कास्ट बढ़ गई है, इसलिए उनकी मुख्यमंत्री से अपील है कि किसानों की नहीं तो उद्यमियों की पुकार सुन लो, ताकि कोरोना और आंदोलन के कारण बंद सड़कों से भी नुकसान की भरपाई हो सके। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ देश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जूता मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ से विदेश में भी हजारों करोड़ का माल एक्सपोर्ट होता है। कोरोना काल में जो राहत पैकेज केंद्र ने जारी किया था, यहाँ पर उद्यमी उसे राहत की बजाय लोन पैकेज कहता है। उद्यमियों का कहना है कि फैक्ट्री का उत्पादन ठप है और ब्याज का मीटर धड़ाधड़ चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री सहायता की ठप पड़ा काम एक बार फिर से पटरी पर लौटे और पिछले नुकसान की भरपाई हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गुजारिश है कि वो उनका समाधान करें, क्योंकि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था इन उद्योगपतियों की वजह से है। अगर इन उद्योगों की बर्बाद हो जाएंगे तो हमारी जो जीडीपी है वो भी बिल्कुल डाउन आ जाएगी। किसान भाइयों से भी हमें कोई परेशानी नहीं है, वो अपना आंदोलन करें लेकिन किसी का नुकसान ना हो, ये का इस बात का भी ध्यान रखें। अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करें और अपना हक जरूर लें, लेकिन किसी का नुकसान ना होने पाए।